हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ और खुश होंगे। तो दिवाली का समय आ गया है और आप सब के घर में तैयारियाँ शुरू हो गई होगी। साफ सफाई, खाना पकवान बनाना, स्नैक्स बनाना, नमकीन हो गया, मिठाई हो गई, ये पहले से ही हम बना के रखते हैं ताकि दिवाली की छुट्टियों में तो लोग घरों में ही रहते हैं तो उन्हें तो कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा ना दिन भर में। तो इसीलिए आज मैं आपके साथ एक स्नैक्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ और ये हेल्दी है। हेल्दी वैसे तो ये तेल में फ्राई है तो मैं हेल्दी नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ ये मैंने मैदा से नहीं बनाया है तो इसे हम थोड़ा सा हेल्दी बोल सकते हैं। तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे इस कप से 2 कप आटा लिया है, गेहूँ का आटा है ये, और आप कोई भी कटोरी से मेज़र कर सकते हो या फिर आपको जितनी मात्रा में बनानी हो आप अपने हिसाब से गेहूं का आटा ले सकते हैं। अब हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। 1/2 चम्मच यहाँ पे मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला है। थोड़ा सा स्नैक्स को चटपटा बनाएंगे ताकि खाने में टेस्टी लगे। अब यहाँ पे डालेंगे 1/2 चम्मच काली मिर्च कूट करके, और फिर इसमें मैंने 1/2 चम्मच कलौंजी डाला है, और 1/2 चम्मच के करीब हम अजवाइन डालेंगे। तो कलौंजी और अजवाइन डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। और यहाँ पे अब मैंने डाला है 1 चम्मच के करीब आमचूर पाउडर। आप इसके जगह चाट मसाला भी डाल सकते हैं। तो आप कोई भी स्नैक्स फ्राई करने वाला बना रहे हो तो उसमें कलौंजी और अजवाइन ज़रूर डालें। और अब हम इसमें मोइन के लिए 4 से 5 चम्मच बड़े चम्मच से डालेंगे रिफाइंड ऑयल। यहाँ पे आप घी भी ले सकते हो। अब इसे चम्मच की सहायता से एक बार मिला लेते हैं और अब हमें हाथों से इसे अच्छे से मिक्स करना है। तो ये देखिए अब ये हाथों में बंधने लगा है, यानी कि ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका एक सख्त डो तैयार कर लेंगे। आटा हमें ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है, थोड़ा सा हम सख्त रखेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका हम डो तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे अब ये आटा तैयार हो गया है और आप देख सकते हो कि ये सॉफ्ट नहीं मैंने गूंथा है। तो अब इसे हम ढक करके 15-20 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए रख देंगे। तो अब यहाँ पे 15 से 20 मिनट हो गया है, एक बार और हम इसे मिला लेते हैं। और अब इसे हम 3 भागों में डिवाइड कर लेंगे। तो जैसे हम रोटी के लिए पेड़ा तैयार करते हैं उसी तरह से हम इसका भी 3 हिस्सा कर लेंगे। तो अब यहाँ पे मैंने 1 लोई लिया है और इसका हम पेड़ा बना लेंगे जैसे रोटी के लिए हम बनाते हैं। और इसे अब हमें रोटी के तरह ही बेल लेना है। तो बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बेलना है और ना ही बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए। बेलने में अगर दिक्कत आ रही हो तो आप थोड़ा सा नीचे ऑयल लगा करके भी बेल सकते हो, या फिर आप थोड़ा सा ऑयल बेलन में भी लगा सकते हो। इसे बेलते समय हमें आटा का यूज़ नहीं करना है, वरना जब हम इसे फ्राई करने जाएंगे तो पूरा तेल खराब हो जाता है आटा के वजह से। तो ये देखिए यहाँ पर अब मैंने इसे बेल लिया है और ये देखिए इतना इसे मैंने पतला बेला है। अब यहाँ पे इसके ऊपर हम 1 चम्मच घी डालेंगे और उसे पूरा अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। इसका जो किनारा है उसमें भी अच्छी तरह से घी लगना चाहिए। अब इसके ऊपर हमें थोड़ा सा आटा छिड़कना है और उसे बस इस तरह से फैला लेना है। अब इसे हमें एक किनारे से इस तरह से फोल्ड करते जाना है। तो ये ध्यान रखिएगा कि इसे हमें टाइटली फोल्ड करना है, बीच में गैप नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से धीरे धीरे हमें फोल्ड करते जाना है। तो हथेली की सहायता से अब इसे हम रोल कर लेंगे अच्छे से ताकि जो भी बीच में हल्का फुल्का गैप बचा हो वो फिल हो जाए। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने रोल तो इसे कर दिया है। अब हमें क्या करना है, दोनों साइड का एजेस थोड़ा थोड़ा किनारा हमें काट लेना है। और अब हम इसे आप चाहो तो राउंड शेप में भी काट सकते हो, मैंने इसे तिरछा शेप में काटा है। तो इसे हम एक एक करके इस तरह से कट करते जाएंगे। तो आप मोटे साइज में मत काट लेना वरना फ्राई करते समय ना कच्चा रह जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से हमें पतला पतला कट कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे अभी तो आपको उतना अच्छे से लेयर इसका नहीं नज़र आ रहा होगा, लेकिन फ्राई करने के बाद वो बहुत अच्छा दिखता है। अब इसे मैं एक प्लेट में रख देती हूँ और बाकी का जो 2 लोई बचा है उसे भी हम इसी तरह से बना लेंगे। तो आप लोग दिवाली पे इस बार क्या बनाने वाले हो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो ये देखिए दूसरा भी मैंने रोटी के जैसा बेल लिया है और इसे भी हम सेम ही तरीके से बनाएंगे। पहले घी हमें लगा लेना है अच्छी तरह से और फिर थोड़ा सा आटा छिड़कना है और उसे रोल कर लेना है और फिर हमें तिरछे शेप में कट कर लेना है। शेप आप अपने मन पसंद से कैसे भी काट सकते हो। तो अब यहाँ पे मैंने सारा कट कर लिया है।
तो अब इसे हम चलते हैं फ्राई करने। तो यहाँ पे मैंने तेल को गर्म होने के लिए रख दिया था फ्राई करने के लिए, और ये देखिए एक मैं यहाँ पे चेक करके देख रही हूँ, तो ये देखिए तेल इतना गर्म होना चाहिए, तो ये परफेक्ट है। अब हम इसमें एक एक करके जो हमने काटा है उसे रख देंगे। और एक बात का आप ध्यान रखना कि तेल हमें गर्म कर लेना है और फिर फ्लेम हमें लो कर देना है। जब आप हाई फ्लेम पे फ्राई करते हो ना, तो स्नैक्स के ऊपर एक परत आ जाती है, तो वो दिखने में अच्छा नहीं लगता है। तो इसके लिए जब तेल गर्म हो जाए तो हमें फ्लेम लो कर देना है। तो एक बार में जितना आए आप उतना फ्राई कर सकते हो, और स्टार्टिंग में इसे हमें लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है। धीरे धीरे ये अपने आप फ्राई होकर के ऊपर तैरने लगता है, तो अभी इसे स्टार्टिंग में टच करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जब ये फ्राई होकर के धीरे धीरे ऊपर आने लगेगा, फिर हम इसे दूसरे साइड पलट करके फ्राई करेंगे। तो अब ये देखिए फ्राई होकर के ऊपर आने लगा है, तो अब हमें गैस का फ्लेम मीडियम कर देना है और इसे हमें दोनों साइड अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए इसमें कितना बढ़िया कलर आ गया है, और यह फ्राई हो गया तो इसे हम निकाल लेते हैं, क्योंकि ये जब ठंडा होता है तो ठंडा होने के बाद इसमें और थोड़ा सा कलर आता है, तो इसके लिए ये परफेक्ट है। अब हम इसे निकाल लेते हैं, देखिए कितना बढ़िया लेयर आया है इसमें। और बाकी का जो बचा हुआ है उसे भी हम लो फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे। तो ये देखिए धीरे धीरे ये भी ऊपर आने लगा है, तो अब हम इसका भी गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और इसे भी दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई करेंगे। तो ये देखिए ये भी अब फ्राई हो गया है, इसे भी अब चलिए निकाल लेते हैं। तो ये तो फ्राई हो गया है, अब आप इसे चाहो तो ऐसे ही खा सकते हो, लेकिन मैं सोच रही हूँ उसे थोड़ा सा चटपटा और बना दूँ। और ये देखिए इसका आप आवाज़ सुन सकते हैं कि ये कितना क्रिस्पी बना है। तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा काला मिर्च पाउडर, और थोड़ा सा हम डालेंगे चाट मसाला। अब ये थोड़ा थोड़ा ना आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने भी अपने हिसाब से ही डाला है। अब लेना है एक कोई भी प्लेट और इसे बढ़िया से ना झमा दीजिए, यानी कि अच्छे से मिक्स कर दीजिए इस तरह से। और ये देखिए ये ना डबल चटपटा स्नैक्स बनकर के तैयार है। अब आप इसे कोई भी मेहमान को दोगे ना खाने के लिए, तो वो उंगलियाँ चाटते रह जाएगा। अब यहाँ पे मैंने तो थोड़ा सा ही बनाया है, आप ज़्यादा मात्रा में बनाइएगा। तो रखना कैसे है, एयर टाइट डिब्बा लेना है और उसमें अच्छे से ढक्कन बंद करके रखना है। ध्यान रखना ढक्कन कोई खुला ना छोड़ दे, क्योंकि अगर ढक्कन खुला रह गया तो फिर सारा स्वाद चला जाएगा। तो ये आप बात ध्यान रखना। तो दिवाली में ज़्यादा टाइम नहीं है, अभी से बना करके रख लीजिए। और भी स्नैक्स की रेसिपी और मिठाई की रेसिपी मैं ले करके आऊँगी, आपके साथ शेयर करूँगी। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लीजिए, और रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, लाइक कर दीजिएगा, चाहो तो आप शेयर कर देना। और ये देखिए एक मैं आपको तोड़ करके भी दिखाती हूँ कि ये कितना क्रिस्पी बना है। तो कैसी लगी ये रेसिपी ज़रूर कमेंट में बताइएगा। अगर कमेंट नहीं करना है तो एक लाइक ही कर देना, इतना तो आलस नहीं आना चाहिए, तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। धन्यवाद।